रेसिपी। इसके लिए मैंने खोया लिया है आधा किलो, चीनी ली है एक प्याली और इलायची ली है। उसके दाने मैंने अलग कर लिए हैं, आप इसको पीस भी सकते हैं, इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं ये खोया शामिल करूँगी। अब इसको हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। इस तरह इसमें अगर दूध वगैरह होगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी बुनाई अच्छे से हमने कर लेनी है। और अब इसमें मैं साथ ही चीनी भी डाल दूंगी, एक प्याली चीनी है, ताकि जो चीनी का पानी हो वो भी इसके साथ ही खुश्क हो जाए। इस तरह से आप इसको कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहें ताकि ये जले ना। इस तरह से इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। ये खोया अपना कलर भी चेंज कर लेगा। ये देखें, ये मेल्ट हो गया अच्छे से और चीनी ने भी जो पानी था वो खोए के अंदर आ गया है। अब इसमें इसको हम जितना पकाएंगे तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज होगा। ये इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसको हमें और मज़ीद पकाना है। ये अब मैं उतनी देर में एक बर्तन में मैं ये ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। हमारा खोया, ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये इस पोजीशन में आ गया है। अब हम इसको अपने बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ज़रा जम जाए। फिर मैं इसकी क्यूब्स बना लूंगी। किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारा सोहन हलवा तैयार है। और ये बिल्कुल सोहन हलवे की तरह ही इसका जायका है और ये बहुत मज़े का। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।